hello let's see the question a thin convex lens l refractive index 1.5 is placed on a plane mirror m when a pin is placed at a such that oa equals to 18 cm its real inverted image is formed at a itself as shown in figure when a liquid of refractive index mu1 is put between the lens and the mirror

इस तरह से ओ ए का डिस्टेंस जो हमारा यहाँ पर गिवन है वो कितना हो ओ ए का डिस्टेंस आपको गिवन गिवन है है कितना 18 सेंटीमीटर तो इसकी क्या रियल और इनवर्टेड इमेज बन रही है पर पर ही इमेज बन रही है तो जैसा कि हमको फिगर में दिख रहा है तो जब लिक्विड होगा एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन का उसको रखा जाएगा बिटवीन द लेंस एंड द मिरर और लेंस और मिरर के बीच में एक हमने क्या रख दिया एक यहाँ पर एक लिक्विड रख दिया जिसका म्यू क्या है म्यू वन है तो और जो इमेज हो जो पिन को हमें कितना मूव करना पड़ेगा ए डिज डिस्टेंस तक अब तक कितना ले जाना पड़ेगा इसको ये हमारा जो डिस्टेंस कितना दे रखा है ओवर डिज कितना ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर दे रखा है ताकि इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी हमको ए डिज पे तो म्यू वन की वैल्यू क्या होगी हमको फाइंड आउट करना है अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमको क्या चाहिए होगी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगा फोकल लेंथ ऑफ स लेंस हमको फाइंड आउट करना होगा उसके बाद हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना होगा सरफेस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द प्लेन मिरर तो हम पहले क्या उसके बाद यूज करेंगे हम फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर का और उन वैलीस को सब्सटीट्यूट करेंगे हम हमको ओ ए डैश डिस्टेंस कितना दिवन है ओ ए डैश हमको गिवन है ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर ओ ए गिवन है हमको कितना यहाँ पर एटीन सेंटीमीटर गिवन है और इसका म्यू लेंस का कितना दिया हुआ है हमको 1.5 गिवन है यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला तो, तो अभी क्या होगा म्यू कितना दिया हुआ है हमको कितना ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर क्यों क्योंकि यहाँ हमारा रखा हुआ है तो इमेज का बन रही है हमारी ये फोकल लेंथ हमको कितनी दी है ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर ही गिवन है यहाँ पर अब यहां से हम देखेंगे कि लेंस वगैरह फॉर्मूला का यूज करके वन अपॉन एफ वन मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा 1. -1. इन दोनों का जो क्या होगा दोनों सरफेस का आर वन और आर टू क्या होंगे इक्वल होंगे अगर इमेज वहीं बन रही है उसी पॉइंट पे तो क्या आ जाएगा वो एटीन सेंटीमीटर ही होगा तो ओ ए का वैल्यू क्या हो गया मेरा वन अपॉन एटीन माइनस वन अपॉन माइनस एटीन हो गया अब यहां से अगर देखूं मैं तो क्या हो जाएगा ये वन अपॉन एफ टू जीरो टू कितना हो जाएगा यहां पे? Upon plus upon कितना गया upon F1 कितना आ गया हमारा वन अपॉन एटीन आ गया तो यहाँ से एफ वन की वैल्यू क्या आ जाएगी एटीन सेंटीमीटर आ गया अब इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर अब प्लेन मिरर के केस में हम बात करते हैं तो इसका ये तो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा ये इसका शेप ले लेगा ले तो किसकी तरह बिहेव करेगा कौन क्यू की तरह बिहेव करेगा लेकिन इसका रेडियस कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा तो अब हम बात करेंगे प्लेन मिरर के ए, केस में तो फॉर म्यू वन वहां क्या लिक्विड प्लेस किया हमने तो वन अपॉन एफ टू हमको फाइंड आउट करना क्या आ जाएगा म्यू माइनस वन वन अपॉन माइनस एटीन वन अपॉन माइनस इन्फिनिटी क्योंकि प्लेन मिरर का क्या होता है इन्फिनिटी होता है तो वन अपॉन एफ टू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से म्यू वन माइनस वन अपॉन माइनस एटीन आ गया तो जब क्या होगा कि लिक्विड ऑफ म्यू वन इज प्लेस बिटवीन लेंस एंड मिरर तो जो हमारी फोकल लेंथ होगी नेट फोकल लेंथ वो क्या होगी वन अपॉइंट एफ इक्व टू वन अपॉइंट एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू होगा यहाँ से वन अपॉइंट एफ की वैल्यू कितना गिवन हमको ट्वेंटी सेवन वन अपॉइंट एफ वन की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास एटीन आई है प्लस कितना हो जाएगा ये यहाँ से ये हो जाएगा म्यू वन माइनस वन अपॉन कितना आ गया या एटीन आ गया यहाँ से तो इसको मैं सॉल्व करूंगा वन अपॉन ट्वेंटी सेवन इक्वल्स टू कितना आ गया वन पॉइंट एटीन माइनस ये आ, कितना हो जाएगा यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना ये हाँ ये हो जाएगा टू माइनस म्यू वन कितना हो जाएगा ये एटीन हो जाएगा तो टू माइनस म्यू वन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से टू बाई थ्री टू माइनस म्यू वन की वैल्यू कितनी होगी फोर बाय थ्री ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया आंसर क्या हो गया म्यू वन ऑप्शन हो गया हमारा आंसर म्यू वन कितना हो गया हमारा इक्वल्स टू फोर अपॉन थ्री हमारा करेक्ट आंसर है आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक